हम सभी लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते तो हैं, लेकिन क्यों? क्या इसलिए कि हमें मोटिवेशनल वीडियो देखना अच्छा लगता है, या फिर हम देखते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए? यदि आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि मैं मोटिवेशनल वीडियो क्यों देखता हूं, तो इसका मतलब है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब है कि किसी भी काम या किसी भी मोटिव को पूरा करने की इच्छा को और बढ़ा देना। अगर इसे आपको और आसान तरीके से समझना है, तो मान लीजिए कि आपको एक बड़ी कार चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप तुरंत जा करके उस कार को खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो कार आपकी सपनों की कार है, तो ये बात आपको पता है कि ये कार खरीदने के लिए पैसे चाहिए, जो कि इस वक्त आपके पास नहीं है। तो अब यहाँ मोटिवेशन पैसे की इच्छा को बढ़ाने के लिए होगा, यानी कि मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ना कि कार खरीदने के लिए। मोटिवेशन की जरूरत कब और कहाँ पड़ती है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस को अचीव करने के लिए मोटिवेशन की खास जरूरत पड़ती है। ये वो पावर है जिसकी वजह से इंसान के अंदर आगे बढ़ने का हौसला बना रहता है। मान लीजिए आपने एक नई साइकिल खरीदी है और उसे लेने के कुछ दिन तक रोज सुबह उसे चलाने जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन बाद आपका उस साइकिल पर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और आप उसे चलाना बंद कर देते हो। फिर अचानक से एक दिन ये देखते हो कि आपका बॉडी फैट बढ़ता चला जा रहा है और आप अपनी फिटनेस खो रहे हो, और फिर कुछ लोग आपसे ये कहते हैं कि आपका तो पेट निकल रहा है, आप मोटे हो रहे हो। तब आपको समझ आता है और फिर आप सोचते हो कि काश आपने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा होता। ये बातें आपके माइंड में चलती रहती हैं और फिर आप उस साइकिल को वापस से निकाल कर दोबारा चलाना शुरू कर देते हो। तो कहने का मतलब यही है कि मोटिवेशन का मतलब हमें उस वक्त पड़ती है जब हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो मोटिवेशन की वजह से वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल जाती है। अब ये सब सुनकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठेगा, क्या मोटिवेशन जरूरी है? हम यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस को देख करके मोटिवेट होने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये सीधी सी बात है, जिस तरह आप रोज नहाते हैं, क्योंकि सुबह नहाने के बाद दिन भर की भाग दौड़ में आपके शरीर में गंदगी लग जाती है, उसी तरह किसी काम के प्रति मोटिवेशन के बाद धीरे धीरे समय के साथ कामयाबी की उम्मीदें खोने लगती है, क्योंकि उसमें इतनी बाधाएं आती है। जबकि ये बात सबको पता है कि सारी बाधाओं को खत्म किया जा सकता है और बाधाएं नहीं होंगी तो उस काम को तो हर कोई कर लेगा। इसलिए हमें सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा पूरा फोकस सिर्फ उसी पर हो जो हम पाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही चीज के लिए प्रयास करते हो, अपनी पूरी मेहनत सिर्फ एक चीज को पाने के लिए लगाते हो, तो वह जरूर आपको मिलती है। और यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखकर ही मोटिवेट हो सकते हैं। हम किसी की बात सुनकर भी मोटिवेट हो सकते हैं, हम किसी को देखकर भी मोटिवेट हो सकते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई घटना घटी और वो सिर्फ उसी से मोटिवेट हो गए। लेकिन ये सबसे जरूरी है कि मोटिवेशन सही वजह के लिए मिले, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने पर आप अपने मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो व्हाट इज मोटिवेशन इन हिंदी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच कोट्स स्टोरी के लिए आप मोटिवेशनल पीएस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सक्सेस के लिए मोटिवेशन पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।